हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस टाइम मैं चूड़े को दूध के अंदर डिप करके रख रही हूँ। ये शादी से एक दिन पहले का क्लिप है, तो मैंने सोचा इसको भी ऐड कर देती हूँ इसमें। और यहाँ पर हम अच्छे से चूड़े को दूध के अंदर डिप करके रख देंगे पूरी रात के लिए। और फिर 16 तारीख की सुबह वर्षा को चूड़ा पहनाना था, मामा चूड़ा पहनाते हैं, तो मामा जी भी सुबह सुबह आ जाएंगे। और बस यहाँ पर हम वही दूध के अंदर थोड़ी सी मैंने पंखुड़ियाँ डाल दी है गुलाब की, इसको हम डिप करके रख देंगे पूरी रात के लिए। यहाँ पर अनुज चारू को उठा रहे थे, वो उठ नहीं रही थी, तो उसको ढोलक बजा के परेशान कर रहे थे, फिर भी नहीं उठी थी वो। और अब यहाँ पर चूड़ा पहनाने की रस्म की जाएगी। और ये सब लोग, कोई मेरी भाभी है, कोई मासी है और मेरी सिस्टर्स हैं, ये सब लोग बैठे हैं। और ये सास सुहागने चूड़े को टच करती हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी विशेज़ देती है, तो वही रस्म स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर मैं इस वक्त नहीं थी क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी इस वजह से, और बहुत ही इमोशनल सीन हो गया था ये, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे सभी लोग। मेरी मासी तो रोने भी लग गई थी। तो अब बस मामा यहाँ पर चूड़ा पहना रहे हैं वर्षा को, रोना भी आता है बिकॉज हम लोग इतने टाइम से आप लोग देखते ही थे, मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर ही करती थी, कितनी मैं तैयारी कर रही थी। फिर इस टाइम ऐसा लग रहा था कि बस हाँ वो टाइम आ गया है, बस अब वर्षा जाने वाली है, तो बस इसलिए सब लोग इमोशनल हो गए थे। और मैंने यहाँ पर वही गोल्डन वाली साड़ी पहनी थी, इतनी अच्छे से मैं तैयार भी नहीं हो पाई थी क्योंकि शादी वाले घर में आप सभी लोग जानते ही हैं कितना काम होता है इस वजह से। और अब मैं पार्लर आ गई थी। बीच का मैं क्लिप शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज मेरे को कुछ काम था, मैं किसी काम से मार्केट चली गई थी और वो काम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और 6:30 बजे मुझे पार्लर भी पहुंचना था, मुझे और चारू को। चारू का मेकअप हो चुका था और अब मेरे मेकअप की टर्न थी। और मैंने बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करवाया था, जो भी नॉर्मल सा मेकअप रहता है वही करवाया था। पर सच में गाइज, इन्होंने इतना अच्छा मेकअप किया था, मुझे तो सीरियसली बहुत अच्छा लगा था। और इनके रेट भी बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, नॉर्मल से जो रेट रहते हैं पार्लर के वही रेट थे। और आप चाहो तो मैं इनका एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इनका मोबाइल नंबर भी दे दूँगी, आप चाहो तो एक बार इनके पार्लर पर विज़िट कर सकते हो।
ये हैं पार्लर की ऑनर जिन्होंने मेरा मेकअप किया था। मैं वेडिंग के वेन्यू पहुंच गई हूँ और ये मेरा फाइनल लुक था। मैं आप लोगों को वर्षा से भी मिलवाती हूँ। और पीछे चारू खड़ी है, हम ये थ्री सिस्टर्स हैं और हम लोगों का मेकअप आप लोग देख ही सकते हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। और ये अथर्व बैठा है और अथर्व के पीछे मेरी ये कज़न भाभी बैठी हैं। और यहाँ पर बारात आ चुकी थी, बारात का स्वागत हो रहा था, तो अभी वो जो मिलाई वगैरह होती है वही सब चीज़ें हो रही थी। तो आप लोग इसको इन्जॉय कीजिए, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। और अब मैं यहाँ पर जो दूल्हा है उसका टीका करने के लिए खड़ी हुई थी। मतलब यहाँ पर टीका होता है, अच्छी खासी पूजा की जाती है दरवाजे पे, और रिबन कटाई होती है जो कि छोटी साली करती है। मैं तो बड़ी थी तो मैंने सिर्फ टीका किया था, चारू ने रिबन कटवाया था। इसका नेक भी मिलता है जो कि हम लोगों को मिला भी था। तो अब बस यही, अब पापा हैं यहाँ पर, पापा वेलकम कर रहे हैं और पापा भी टच वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे उस दिन। बस बारात का वेलकम अच्छे से हो गया था और सामने मेरी ननद बैठी है ग्रीन कलर के लहंगे में। वहाँ कोने में सब मेरे ससुराल वाले बैठे थे, सभी लोग आए थे, जेठ जी, जेठानी, उनके बच्चे, ननद, सभी लोग थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, इन्जॉय भी बहुत ही ज़्यादा किया था। और बस अब बस थोड़ी देर में जयमाला की तैयारी होगी। मैं काफ़ी सारी चीज़ें नहीं कैप्चर कर पाई थी बिकॉज़ आप लोग समझ ही सकते हो मैं बड़ी हूँ और काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है, तो इस वजह से जो भी छोटे छोटे से मोमेंट थे मैंने कैप्चर कर लिए थे और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिए हैं। तो आप लोग बताना कि कैसा लगा सब कुछ। और यहाँ पर वर्षा की एंट्री हो गई है, वर्षा पापा और मम्मी के साथ आ रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे भी सभी लोग इमोशनल हो गए थे, मैं तो सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, तो मैं ऐसे कुछ भी मोमेंट देखती हूँ तो मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है। तो और आप लोग बताना कि वर्षा भी कैसी लग रही है। चलिए फिर आप लोग वीडियो इन्जॉय कीजिए। Thank you.
वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोहिनी, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं फ़िलहाल अभी सो के उठी हूँ और टाइम 3 बज रहे हैं। वर्षा को विदा करने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत काम होता है जो वो करना था, फिर हम लोग सभी लोग सो गए थे। इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी और आप लोग मेरा फेस देख ही सकते हो, मैंने मेकअप भी रिमूव नहीं किया था। जल्दी से आके काम वगैरह करके फिर सो गए थे और अभी हम लोग ने खाना खाया है। सच में इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि थोड़ी बिजी थी। तो चलिए, इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। बेल आइकन प्रेस करने से आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अब बस जल्दी से मेकअप रिमूव करूँगी और बहुत सारा फैला हुआ है घर, उसको सही करना है। और यहाँ देखो, अनुज और अथर बैठे हैं। देखो अथर, हेलो करो। और ये रहा हनी। चारू सामने बैठी है। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।